हरे कृष्णा। काल श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि राधा अष्टमी महामहोत्सव। तो हम पिछले 2 दिन से श्रीमती राधा रानी की गुण महिमा चर्चा कर रहे थे। तो राधा रानी की प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं हम लोग। सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्रीमती राधा रानी जिनकी अंग कांति बिगले हुए सोना जैसे, और जो राधा रानी वृंदावन की ईश्वरी, वृंदावन की रानी और वृषभानु महाराज की पुत्री और भगवान कृष्ण भगवान हरि की अति प्रिया, उस श्रीमती राधा रानी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। तो श्रीमती राधा रानी के बारे में हम फर्स्ट डे चर्चा किया था, किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवतम प्रणयन किया, उन्होंने भी ये साहस नहीं किया राधा रानी के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि राधा रानी की स्थान इतनी ऊंची, राधा रानी की पोजीशन इतने ऊंचे हैं, और इसलिए बड़े बड़े मुनि ऋषि, बड़े बड़े विद्वान लोग भी राधा रानी की महिमा गुण महिमा कीर्तन नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण की गुण महिमा कीर्तन करना बहुत ही आसान है, लेकिन राधा रानी के बारे में वर्णन करना उतना आसान नहीं है। जो भक्ति में अति उन्नत है, बहुत ही उन्नत मार्ग में है, सिर्फ ऐसे ही भक्त राधा रानी की महिमा समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकते राधा रानी की महिमा। तो इस प्रसंग में एक उदाहरण है ये पद्म पुराण में, कि अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण का एक बार बातचीत हो रहा था। अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों बहुत ही मित्र मित्र थे। अर्जुन और भगवान कृष्ण और इतने दोनों के बीच में ये गहरा संबंध था कि भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, तो कितना दोनों के बीच में गहरा संबंध। और सब कुछ भगवान कृष्ण अर्जुन हर एक लीला में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में रखते थे, बहुत से लीला में। तो एक प्रकार से हम देख सकते कितना घनिष्ठ, कितने दोनों इंटीमेट है भगवान कृष्ण और अर्जुन। भगवान के अति प्रिय थे, भक्तोसि में सखा चेति, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने सखा बनाए, तो कितने प्रिय। तो अर्जुन एक बार भगवान कृष्ण से पूछ रहे, भगवान मैं तो आपको आपके सबसे करीबी दोस्त हूँ, तो मैं थोड़ा आपके वृंदावन लीला के बारे में, वृंदावन लीला के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि मैं आपने मुझे द्वारका से आके सारे सब कुछ बताए द्वारका के बारे में, मथुरा के बारे में, लेकिन आपने जो बचपन में वृंदावन में लीला की थी उस लीला के बारे में आपने मुझे कुछ नहीं बताया। तो ये सुनने के बाद, और साथ में मैं ये वृंदावन की जो गोपियां जो आपसे बहुत 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 ज्यादा प्रेम करती थी उनके बारे में भी मैं सुनना चाहता हूँ, और साथ ही में श्रीमती राधारानी के बारे में खास करके मैं सुनना चाहता हूँ। ये कौन बता रहे? अर्जुन भगवान कृष्ण। और ये सुनने के बाद अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, ये सुनने के बाद, नहीं 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 अर्जुन, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, तुम मेरा बहुत ही प्रिय मित्र हो, लेकिन राधा रानी के बारे में और वृंदावन लीला के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल विषय है। तो मैं तुम्हें राधा रानी और ये वृंदावन की जो गोपियां और वृंदावन की लीला के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। अब देखो, भगवान कृष्ण अर्जुन को भी अनक्वालिफाइड समझ रहे हैं राधा रानी के बारे में सुनने के लिए, जानने के लिए। तो हमारी क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। तो राधा रानी की पोजीशन इतनी ऊंची है, इवन जो भगवान के सबसे घनिष्ठ मित्र हैं अर्जुन को भी भगवान ने नाकार कर दिया। तो ये राधा रानी की पोजीशन है। और ये सुनने के बाद तब अर्जुन बोलते, क्यों भगवान हम क्यों नहीं सुन पाएंगे राधा रानी के बारे में, अब बताए राधा रानी के बारे में हम सुनना चाहते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद भी उनको भगवान को क्षमा कर दिया, और तब ये बार बार अनुरोध करने के बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम ये समझ नहीं पाओगे अर्जुन, और खास करके वृंदावन की जो गोपियां हैं और विशेषकर जो राधा रानी की जो प्रेम है और वृंदावन वासियों का जो प्रेम है मेरे प्रति, वो समझना इतना आसान नहीं है
क्योंकि तुम्हारी एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है इसके बारे में, उनकी पोजीशन कितनी ऊंची है। तो अर्जुन बार बार, नहीं भगवान, हम आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आप मुझे बताएं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं बहुत ही उत्सुक हूं, मैं बहुत ही उत्सुक हूं। तब ये सुनने के बाद ना, तब अर्जुन से कहते हैं, ठीक है अर्जुन, तुम अगर ये जानना चाहते हैं कि वृंदावन के बारे में, गोपियों के बारे में, खास करके श्रीमती राधारानी के बारे में, एक काम करो, तुम पार्वती देवी के पास जाओ, शिव जी की पत्नी पार्वती देवी के पास तुम जाओ, दुर्गा देवी के पास, और उनको ये रिक्वेस्ट करो कि मैंने भेजा तुम्हें उनके पास ये राधारानी के बारे में सुनने के लिए। और अर्जुन तो बहुत खुश हो गए, ठीक है कृष्ण नहीं बताते तो क्या हुआ, माँ पार्वती से हम सुन लेंगे। तो अर्जुन तब जाते हैं कैलाश में, माता पार्वती से भेंट करते हैं, और अर्जुन तब माता पार्वती से ये बताते हैं किस प्रकार भगवान कृष्ण ये उनको यहाँ पर भेजा माता पार्वती से, और उन्होंने ये खास करके ये भगवान कृष्ण के साथ जो राधारानी की जो संबंध है, राधारानी की जो लीला है, राधारानी की जो पोजिशन, उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो पार्वती ये सुनने के बाद बोलते, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, मैं खुद वो सुनने के लिए, वो बोलने के लिए मैं खुद ही अनक्वालिफाइड हूँ, अयोग्य हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं है राधारानी के बारे में बोलने के लिए। और ये देखो, राधारानी के बारे में सुनने के लिए, बोलने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ती है, यज्ञ तपस्या करने के बाद बहुत साल, तब भी लोग राधारानी की महिमा समझ नहीं पाते, तो तुम कैसे समझ सकते। तो ये बोलने के बाद तब पार्वती देवी अर्जुन को ले जाते एक सरोवर में ले जाते पार्वती देवी अर्जुन को। और जब सरोवर में ले जाते हैं तो अर्जुन से बताते पार्वती देवी, तुम एक काम करो, इस सरोवर में जाकर स्नान कर लो अर्जुन, ये सरोवर बहुत ही पवित्र सरोवर, और इस सरोवर में तुम जैसे कुंड में नहाओगे, स्नान करोगे, तो तुम्हें राधारानी की महिमा समझने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। तो अर्जुन ये सुनने के बाद, माता पार्वती को कहने के बाद, अर्जुन ये चले गए उस सरोवर में स्नान करने के लिए। और जैसे स्नान करके वापस ऊपर आए, अर्जुन अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, अर्जुन एक गोपी बन गए और अर्जुन अपने आप को समझ नहीं पा रहे, बोले मैं कौन हूं, वो गोपी बन गए अर्जुन। और दुर्गा देवी कहती, ये कौन है, कौन गोपी है, आपका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या बन गया, अर्जुन या गोपी, अर्जुन लड़का है और गोपी बन गए, लड़की बन गई, तो अर्जुन का नाम हो गया अर्जुन या गोपी। तो अर्जुन इस प्रकार अर्जुन या गोपी बन गए, और गोपी ड्रेस, माताजी वेशभूषा लेकर, अर्जुन ये टोटली भूल गए वो अर्जुन थे, भगवान कृष्ण के मित्र थे, उनके पिछले जन्म में जो भी कुछ हुआ था, कुरुक्षेत्र युद्ध वगैरह सब कुछ भूल चुका अर्जुन, सिर्फ ये जानते मैं अभी एक औरत हूं, मैं एक गोपी हूं, तो इतने सिर्फ उनको मालूम है। और पार्वती देवी तब अर्जुन या गोपी जो अर्जुन थे उनको वृंदावन में गोपियों के बीच में छोड़ के गए, और जब गोपियों के बीच में छोड़ के गए अर्जुन को, तो सारे गोपियां सरप्राइज होगा, अरे ये गोपी तो वृंदावन में पहले दिखा नहीं, ये कहां से आया, ये गोपी तो पहले बार देख रहे वृंदावन में, हमारे बीच में तो ये गोपी थी नहीं। तो उन लोग बोले, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हें तो पहले देखा नहीं वृंदावन में, बहुत सुंदर तुम्हें देखने लगते हैं। और ये अर्जुन बता रहे हैं कि देखो, हमें ये बिल्कुल कुछ पता नहीं, हम कहाँ से आया, हम कौन है, हमारा नाम अर्जुन या गोपी है, और मुझे पता नहीं मैं कहाँ से, किस देश से आया हूं, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं एक गोपी हूं और मैं एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया था, इतना तक मुझे मालूम है, इसके आगे मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो सभी गोपियां, ललिता, विशाखा, सब लोग बहुत खुश हो गए इतने सुंदर एक गोपी को देखकर। तो उन लोगों ने उस गोपी को, अर्जुन या गोपी को, उन लोगों ने राधारानी के पास लेके आए वृंदावन में। जब भी वो लोग किसी से मिलते थे, गोपियां, सब लोग, सब कुछ राधारानी के पास लेके जाते, इसलिए हम प्रार्थना की, वृंदावनेश्वरी, राधारानी कौन है, वृंदावन की रानी है, तो राधारानी के पास लेके आए। और उस समय जो अर्जुन या गोपी थी, जो असल में कौन है, अर्जुन,
अर्जुन या गोपी के रूप में राधा रानी के सौंदर्य देखकर इतने मोहित हो गए, इतने आकर्षित हो गए, ऐसे मनो ऐसे लगा कि अर्जुन ने पता ऐसे तीनों लोगों में इतने सुंदर किसी को नहीं देखा, राधा रानी के सौंदर्य इतने अद्भुत है। और अर्जुन अर्जुन या गोपी तुरंत राधा रानी के चरण में गिर कर उनके चरण पकड़ के प्रार्थना करते कि मैं समझ गया असल में आप ही श्रीमती राधा रानी है, नहीं तो इतनी आकर्षण किसी के पास नहीं हो सकती। राधा रानी जो भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करती है वो है श्रीमती राधा रानी। तब राधा रानी राधा रानी क्या किया, उस अर्जुन या गोपी को राधा रानी भगवान कृष्ण के पास लेके गए। तो अर्जुन या गोपी कौन है, अर्जुन है, भगवान कृष्ण के मित्र है, लेकिन फिर अभी गोपी के रूप में भी भगवान कृष्ण के पास गए। लेकिन गोपी रूप में जब अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए तो उनको जो सुख अनुभव हुआ, मित्र के रूप में जब भगवान कृष्ण के साथ थे वो सुख की अनुभव नहीं हुआ। तब अर्जुन को समझ में आया, वापस अर्जुन अपने ज्ञान ध्यान में वापस आने के बाद तब पता चला असल में गोपियों की जो प्रेम है भगवान कृष्ण के लिए, राधा रानी की जो प्रेम है, ये किसी के पास नहीं हो सकती। हम कितने भी बड़े मित्र हो जाए भगवान कृष्ण के, फिर भी ऐसे नहीं हो सकते। तब अर्जुन इस प्रकार राधा रानी और कृष्ण के संगति में वो दिन बिताने के बाद राधा रानी तब अर्जुन या गोपी से कहती है, एक काम करो तुम फिर से उस सरोवर में जाओ, उस सरोवर में जाकर स्नान कर लो। और दोबारा जब उस सरोवर में अर्जुन गए, स्नान किया, स्नान करने के पश्चात फिर से वो अर्जुन के रूप में वापस आ जाते उस गोपी। तो ये कहने का मतलब, ये पद्म पुराण में ये स्टोरी है जिसके द्वारा ये बता रहे किस प्रकार अर्जुन जो भगवान के इतने बड़े मित्र थे, भगवान के बहुत ही करीबी दोस्त थे, जो हमेशा भगवान सब कुछ शेयर करते थे, उस अर्जुन भी राधा रानी के बारे में सुनने के योग्य नहीं थे। लेकिन ये राधा रानी की कृपा से, विशेष कृपा से ही राधा रानी को समझ पाए। तो ये राधा रानी के बारे में जानने की हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन राधा रानी से अगर हम प्रार्थना करते राधा रानी की कृपा से हम राधा रानी को समझ पाएंगे। इस प्रकार से ये पद्म पुराण में ये उदाहरण के द्वारा ये समझ रहे कि राधा रानी की पोजीशन कितनी ऊंची। इसलिए शास्त्र में ये कहते हैं कि बृहद गौतमीय तंत्र में राधा रानी की महिमा वर्णन करते हुए ये बताते हैं कि देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति अम्मोहिनी पर। कि राधा रानी आध्यात्मिक जो देवी है, जो वृंदावन की रानी श्रीमती राधा रानी, ये भगवान कृष्ण की कंसोर्ट है, भगवान कृष्ण से अभिन्न है, जो भगवान कृष्ण के साथ हमेशा रहती। और ये जितने स्त्रियां हैं, जितने लक्ष्मियां हैं, सारे लक्ष्मी का भी सेंट्रल पॉइंट श्रीमती राधा रानी। लक्ष्मी ऐसे माना जाता है कि लक्ष्मी शत सहस्र सेव्यमानम, ये हजारों करोड़ लक्ष्मी भगवान नारायण की सेवा करती, और ऐसे हजारों करोड़ लक्ष्मी भी श्रीमती राधा रानी की सेवा करती। और राधा रानी के अंदर ये गुण है कि सारे जगत में सभी लोगों को अट्रैक्ट कर पाती, और ये भगवान कृष्ण की इंटरनल पोटेंशियल, भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो भगवान कृष्ण को यह माना जाता है कि सभी आनंदों का सोर्स है, आनंदमय अभ्यासात सच्चित आनंदमय, भगवान कृष्ण से ही सभी आनंद इस भौतिक संसार में आते हैं। लेकिन इसलिए भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक, भगवान कृष्ण शब्द का एक अर्थ है सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित करते अपने की ओर। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को भी कभी कभार खुद के लिए सुख भगवान कृष्ण ढूंढते हैं, और वो भगवान कृष्ण को राधा रानी देती। तो राधा रानी की जो सेवा भाव वो भगवान कृष्ण को भी अट्रैक्ट करते, और ये श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग में भगवान कृष्ण उनके मित्र उद्धव से कहते, उनके मंत्री कि हे उद्धव,
कि जो आकर्षण सारे लोगों में, पूरे विश्व में, पूरे जगत में जो आकर्षण मेरे जो भक्त है वो फील करते हैं, जो तपस्या करके ज्ञान मार्ग चर्चा करके ध्यान योग यज्ञ हवन शास्त्र अध्ययन ये सब कुछ करके जिन लोगों को जो सुख मिलते ये मेरे लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं, उतना आकर्षक नहीं है जो मेरे वृंदावन वासी जो भक्त है वो लोग मेरे प्रति उनका जो आकर्षण है। और खास करके श्रीमती राधारानी की जो आकर्षण है, इसके सामने दुनिया में कितने भी बड़े बड़े योगी तपस्वी उनके भक्ति कुछ भी नहीं है, क्योंकि श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। एक बार ऐसे हुआ था जब भगवान कृष्ण रास नृत्य कर रहे थे और उस समय भगवान कृष्ण नृत्य करते करते उस रास नृत्य मंडली से भगवान कृष्ण चले गए थे वहां से, और सारे सब लोग ढूंढ रहे थे भगवान कृष्ण को, कहाँ चले गए भगवान कृष्ण, सब लोग ढूंढ रहे थे भगवान कृष्ण को, और राधारानी और बाकी अन्य गोपियां भी भगवान कृष्ण को ढूंढ रही थी। और भगवान कृष्ण ये परीक्षा करने के लिए क्या किए, भगवान कृष्ण यमुना के किनारे में जाकर भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप लेकर, विष्णु रूप लेकर भगवान कृष्ण यमुना के किनारे में ऐसे आसन में, सिंहासन में बैठे हुए थे। सारे गोपियां राधारानी सब लोग भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे, भगवान कृष्ण कहाँ गए, सब ढूंढते देखा यमुना के किनारे में कौन, भगवान विष्णु जी बैठे हुए, चार हाथ शंख चक्र गदा पद्म जिनके हाथ में, और भगवान कृष्ण ऐसे जब बैठे हुए तो उस समय राधारानी विष्णु जी पूछते, आपने कृष्ण को देखा, हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, आपने कृष्ण को देखा, अरे भगवान कृष्ण मानी मन चल रहे हैं, अरे हम ही तो कृष्ण है, आप किसको ढूंढ रहे हैं, बोले नहीं नहीं आप वो कृष्ण नहीं है, हम तो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं जो द्विभुज हाथ जिनके दो भुजा है, आपके तो चार भुजा है। तो भगवान विष्णु को देखने के बावजूद भी राधा रानी और बाकी जो गोपियां थी उनके मन में बिल्कुल आकर्षण नहीं आया। इससे हम समझ सकते कितना प्रेम करते थे इन लोग भगवान कृष्ण, और किसी को उनको बिल्कुल आकर्षण नहीं है। जिस प्रकार अर्जुन को भगवान कृष्ण जब विश्व रूप देखा थे कुरुक्षेत्र रणांगन में, और उस समय भगवान के विश्व रूप देखकर अर्जुन तो प्रसन्न हो जाते लेकिन बाद में डर भी जाते, और अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते भगवान हम आपके ये भयानक रूप नहीं देख सकेंगे, आप कृपया हमें वापस पुनः आपकी विभुज रूप दिखाएं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं राधा रानी अर्जुन ये सिर्फ भगवान कृष्ण की जो दो भुजा वाले रूप को आराधना करते, तो इतने प्रेम करते थे कि विष्णु भगवान विष्णु आने के बावजूद भी इन लोग ध्यान नहीं दिया, सिर्फ भगवान कृष्ण से इस प्रकार प्रेम करते थे। और अपितु इसमें क्या बता रहे हैं कि जब सारे इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, सभी जो लक्ष्मी है हजारों लक्ष्मी सब भगवान जो कृष्ण के अंतरंग शक्ति राधारानी से आती सारे लक्ष्मियां। और हम ये लीला देखते हैं कि लक्ष्मी जी एक बार एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत भ्रमण करने के लिए गए थे तो वहां पर एक ब्राह्मण थे जो लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे, उनके घर पे मूर्ति थी बहुत पुरानी, तो लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बताते कि आप भगवान कृष्ण के नाम जप करते, आप नाम की महिमा जानते, आप तो ये भी जानते कि भगवान कृष्ण की सेवा सबसे श्रेष्ठ है, तो आप फिर क्यों लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे हो, क्योंकि भगवान कृष्ण से ही लक्ष्मी नारायण आते हैं। लेकिन हम भारत में सब लोग गलत जानते हैं, बोलते विष्णु से कृष्ण आते, नहीं भगवान कृष्ण से विष्णु आते, ये विष्णु के अवतार नहीं है, कृष्ण के अवतार है, कृष्ण को कहते अवतारी, जबकि विष्णु है अवतार। तो उस समय वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, नहीं नहीं लक्ष्मी नारायण सेवा सबसे श्रेष्ठ है, विष्णु जी की सेवा सबसे श्रेष्ठ है, अब क्यों मुझे कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए बोलते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ये उदाहरण देते हैं, कौन सा, अभी जो हमने बताया कि विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट होने के बावजूद भी
राधा रानी बाकी सखिया जो गोपियां थी उनको बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं हुई। जबकि और एक लीला भी बताए, जबकि अगर लक्ष्मी नारायण की सेवा श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु की नारायण आराधना श्रेष्ठ है, तो आपकी जो लक्ष्मी देवी वो क्यों वैकुंठ छोड़कर वृंदावन में आ गए, ये और एक लीला है। जब भगवान कृष्ण दापर युग में राधा रानी और बाकी गोपियों के साथ इस प्रकार लीला कर रहे थे, तो लक्ष्मी देवी के मन में इच्छा हुई कि हम भगवान कृष्ण की लीला दर्शन करेंगे। इसमें असल में दोनों एक ही है, विष्णु नारायण और कृष्ण एक ही, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये प्रभुपाद जी उदाहरण देते एक इस प्रकार विष्णु और नारायण में ये अंतर है। जैसे एक जज होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वो जब ऑफिस में जाते हैं कोर्ट में जाते हैं जज बन जाते हैं, लेकिन जब घर पे आते हैं तब क्या होते हैं उनके नाती पोता जो है वो लोग क्या बोलते हैं, दादाजी आप घोड़े जैसे बन जाओ, हम आपके कंधे के ऊपर चढ़ेंगे। तो वो कोर्ट में जज है लेकिन घर पे जज नहीं है। तो ये विष्णु और कृष्ण में ये अंतर है, जब भगवान कृष्ण ऑफिस में जाते हैं तब विष्णु बन जाते हैं, जब घर पे रहते हैं तब कृष्ण है। तो हमें किसके पास जाना चाहिए, किसी किसी के अगर घर पे जा सकते तो आप उनके ऑफिस में जाएंगे, आप मोदी जी के अगर घर पे डायरेक्टली जा सकते तो आप उनके ऑफिस में जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो जो भगवान के भक्त है वो घर पे जाते हैं। तो लक्ष्मी जी के मन में एक बार विचार आए कि हम चलो हम जाते हैं भगवान कृष्ण के जो रास नृत्य में हम भी भाग लेंगे, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के जो रूप है विष्णु की सेवा करते हैं, पाद सेवन करते हैं विष्णु जी की। तो लक्ष्मी देवी थोड़ा मन में अहंकार आ गए, लक्ष्मी देवी वृंदावन आ गए, आके बोलते हम भी रास नृत्य में भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करना चाहते। लेकिन तब वृंदावन की जो गोपियां कहती है नहीं नहीं तुम्हें प्रवेश अधिकार नहीं मिलेगा यहाँ पे, बोलते हम लक्ष्मी जी है, हम वैकुंठ की रानी है, हम नारायण की विष्णु जी की पाद सेवन करते। बोले नहीं, यहाँ पर जो भगवान कृष्ण की लीला में भाग लेना चाहते हैं उनको तो वृंदावन की जो गोपियां हैं उनके अधीन बनकर उनके अंडर में रहकर भक्ति करना पड़ेगी, तब जाके वो भगवान कृष्ण की रास नृत्य देख पाएंगे। तो ये भगवान कृष्ण की लीला में भाग लेना इतना आसान नहीं है, लक्ष्मी जी को भी परमिशन नहीं मिला। अर्जुन को सिर्फ भगवान कृष्ण की राधा रानी को देखने के लिए, अर्जुन को राधा रानी को दर्शन करने के लिए गोपी बनना पड़े। और नारद मुनि के साथ भी ऐसे हुआ था, नारद मुनि हम हमेशा बिना में नारायण नारायण नाम जप करते, राधा कृष्ण नाम जप करते, चलो हम भी भगवान कृष्ण की लीला दर्शन करते, लेकिन नारद मुनि को एंट्री नहीं मिली। तब नारद मुनि जाके कुसुम सरोवर में स्नान करते हैं, जैसे डुबकी लगाते और वापस आके देखते नारद मुनि भी गोपी बन जाती है और उनके नाम हो जाते नारदी गोपी, तब जाके उनको वृंदावन में प्रवेश मिलते हैं। तो देखिए सिर्फ राधा रानी का दर्शन करने के लिए अर्जुन को ये चेंज करना पड़ेगा पड़ा अपने आप को। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें राधा कृष्ण के नित्य सेवा करने को सौभाग्य मिल रहा है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के सौभाग्य मिल रहे हैं। राधा कृष्ण को तो हम जानते थे लेकिन इस प्रकार से हम कभी नहीं जानते थे। अगर श्रील प्रभुपाद इस्कान के संस्थापक आचार्य उनके शिक्षा के अगर हमें कंटेक्ट शिक्षा के संस्पर्श नहीं मिलता था, तो इस प्रकार से हम देखते राधा रानी की पोजीशन कितनी ऊंची। और इस प्रकार प्रेम करती थी, हम जो चर्चा किया राधा रानी जो नाम है ये नाम कहां से आते हैं, आराधना से, आराधना आराधना से राधा रानी। जो कृष्ण आराधना में सबसे श्रेष्ठ है वो है श्रीमती राधा रानी। हम भी भक्ति करते लेकिन राधा रानी जैसे इस प्रकार भक्ति कोई नहीं करते, इसलिए राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है। ये प्रभुपाद प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ में, प्रभुपाद ये अनुवाद करते हैं कि श्रीमती राधा रानी जब पहली बार भगवान कृष्ण को देखते हैं और ये श्रीमती राधा रानी उनको मानो ऐसे अनुभव हो रहा था कि सारे दुनिया में आध्यात्मिक जितने सुख है सारे सुख उनको मिल गए और उनके सारे शरीर के सारे अंग कांपने लगा कृष्ण को देखने के बाद। और जो ललिता देवी थी राधा रानी की जो सखी, उन्होंने राधा रानी के कान में जाकर क्या बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
राधा रानी के कान में जाकर भगवान कृष्ण का नाम सुना है और राधा रानी ने तुरंत आंख खोल दी। तो इस प्रकार राधा रानी जो प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, जो और किसी के पास नहीं हो सकते, एक पल भी राधा रानी भगवान कृष्ण के देखे बिना नहीं रह सकते। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी इस कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को पूरा जैसे होता है ना आंखों के जो पलक है वो गिरता था, जैसे हम हर सेकंड कितने बार आंखों के पलक उनको बिना रोक के देखते थे चैतन्य महाप्रभु। और इसके लिए राधा रानी और वृंदावन के जो गोपियां थी इन लोग ब्रह्मा जी को एक बार निंदा करते, हमें कौन बनाया, सबसे पहले ब्रह्मा जी ये शरीर बनाते क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है जो सृष्टि करता, तो ब्रह्मा जी ये शरीर देते हैं। तो वृंदावन के जो गोपियां थी और राधा रानी इन लोग ब्रह्मा जी को कहते, ब्रह्मा जी अपने हमें बहुत अच्छा तरीके से बनाया, हाथ दिया पांव दिया आपने, हमें सुंदर मस्तक बाल सब कुछ दिया, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी आपने जब इंसान को बनाया, वो क्या है, आपने आंख तो दिया बहुत सुंदर लेकिन आंखों का क्या दे दिया, जो आई लीड, ये जो आई लीड है आंखों का आई लीड दे दिया, जिसके वजह से हमें आंख कभी कभी बंद करना पड़ते हैं, इसलिए हम कृष्ण को हमेशा लगातार देख नहीं पाते, इतने प्रेम करते थे कि एक सेकंड के लिए भी हम तक कृष्ण को नहीं देख रह नहीं पाएंगे, इतने प्रेम करते थे। इसलिए ब्रह्मा जी को कह रहा है कि आपने हमें बहुत अच्छे से बनाया लेकिन आई लीड क्यों दिया आपने, कृष्ण को देखने में हमें डिस्टर्ब हो जाती है आई लीड, तो इतने प्रेम करते थे राधा रानी भगवान कृष्ण। और एक बार तो राधा रानी एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि हे राधा रानी, मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं मिलूंगा। तो ये सुनने के बाद ये सब मजाक करके भगवान कृष्ण ने बताया राधा रानी को, और ये कहने के बाद राधा कृष्ण मतलब उनके कृष्ण वहां से चले गए, सिर्फ ये बात कहने के बाद मजाक कृष्ण ने बोल दिया। और ये सुनने के बाद राधा रानी तुरंत बेहोश हो गए, अपने जमीन में गिर गए, रोने लगे कि कृष्ण और कभी हमें हमसे नहीं मिलेंगे, कृष्ण को दर्शन नहीं मिलेगा, ऐसे रोने लगे राधा रानी। और सब लोगों को ऐसे लग रहा था कि राधा रानी शरीर छोड़ दिए, उनके श्वास रुक गए, क्या सिर्फ एक शब्द सुने कि भगवान कृष्ण उनसे नहीं मिलेंगे। और तब लोगों ने कहा कि भगवान कृष्ण के जो सबसे प्रिय फूल वृंदावन के, वो फूल पुष्प लेकर राधा रानी के नाक में लगाते, और जैसे राधा रानी के नाक में वो पुष्प की खुशबू आती राधा रानी तुरंत जाग जाती। और उसी दिन रात को राधा रानी स्वप्न में राधा रानी कृष्ण से बात कर रहे थे कि कृष्ण आपने क्यों बताया इस प्रकार, आप मुझे कभी नहीं मिलेंगे आज से, इस प्रकार आप मजाक मत कीजिए मेरे साथ, ऐसे बोलेंगे तो हम शरीर छोड़ देंगे, हम नहीं रहेंगे इस भौतिक संसार में, हम चले जाएंगे। तब ये सुनने के बाद कृष्ण प्रकट हो जाते हैं उनके स्वप्न में, कृष्ण कहते हैं हम तो मजाक करके बताए, तो राधा रानी तब इन्हें शर्मिंदा हो जाती है। राधा रानी इस प्रकार से ये फिर समझ में आ जाते राधा रानी कि भगवान कृष्ण एक्चुअली कभी राधा रानी को नहीं छोड़ते, जहां पर कृष्ण है वहां पर श्रीमती राधा रानी, जहां पर राधा रानी वहां पर कृष्ण है। तो राधा रानी है भगवान कृष्ण के प्रति किस प्रकार हम प्रेम कर सकते हैं, इस भौतिक संसार में हम कृष्ण से अलग हो गए, हमें इस भौतिक संसार में दुख कष्ट क्यों मिल रहे थे, क्योंकि जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तुवार दुख नाही, हम भगवान कृष्ण के एक अंश हैं, भगवान कृष्ण परमात्मा हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, हम भगवान कृष्ण का अंश होने के नाते हमारी ये दायित्व है भगवान कृष्ण की सेवा करना, क्योंकि हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते भौतिक संसार में हम फंस गए और भगवान कृष्ण को भूल गए। यद्यपि हम जब माँ के गर्भ में थे तब हम भगवान कृष्ण से इस प्रकार प्रतिज्ञा कि हे भगवान कृष्ण, जैसे माँ के गर्भ से हम बाहर निकलेंगे तब हम आपकी भजना करेंगे, लेकिन जैसे माँ के गर्भ से बाहर निकल गए तो हम भगवान कृष्ण को भूल गए इस भौतिक संसार में माया मोह में आ गए।
और इसलिए हमें कष्ट मिल रहे हैं। जब एक छोटा बच्चा अगर पिता माता को खो देते, उनके पिता को ना भूल जाते, तो उनको कितना कष्ट मिलेगा, उनको कपड़ा कौन देगा, खाना कौन देगा, पढ़ाई के खर्चा कौन देगा, दवाई कौन देगा। तो उसी प्रकार इस भौतिक संसार में भगवान कृष्ण हमारे परम पिता है, उनको अगर हम भूल जाते तो हमें तो कष्ट मिलेगा ही हमेशा। तो राधा रानी से भगवान कृष्ण अलग हो गए, राधा रानी से भगवान कृष्ण चले गए द्वारका में, मथुरा उसके बाद द्वारका में। और इस प्रकार राधा रानी ये बता रहे किस प्रकार भगवान कृष्ण से हम भी विलग हो गए, अलग हो गए। उसी समय हमें क्या करना चाहिए, राधा रानी हमेशा भगवान कृष्ण को दर्शन करने के लिए, पुनः देखने के लिए भगवान कृष्ण के नाम जप करती थी। तो हमें भी इस कल युग में, चूंकि हम भगवान से बहुत दूर चले गए, इसलिए हमें कष्ट मिल रहा है इस भौतिक संसार में, इसलिए हमें हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो इस प्रकार प्रेम करते थे श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण। ये बहुत सुंदर उदाहरण है एक वृंदावन, वृंदावन में बहुत सुंदर उदाहरण। वृंदावन में एक जगह है जहां पर भगवान कृष्ण के निवास, भगवान कृष्ण के पिता के घर नंद भवन, और राधा रानी कहां रहती थी, बरसाना, बरसाने वाली श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी बरसाना में रहती थी, उनकी जितने गोपियां ललिता विशाखा सारे सखियां सब लोग राधा रानी के गांव के आसपास में रहते थे, और कृष्ण के जितने सखाए थे सुबल श्रीदाम वसुदाम ये सब लोग कृष्ण के गांव के आसपास रहते थे उनके गांव। तो इन लोग हमेशा राधा रानी अपने सखियों के साथ और कृष्ण अपने मित्रों के साथ मिलने के लिए जाते थे रोज। तो दोनों गांव के बरसाना और नंदा गांव के बीच में लगभग एक जगह है, उस जगह का नाम है प्रेम सरोवर। तो वहां पर मिलने के लिए जाते थे रोज। तो वहां पर एक बार राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों एक साथ में बैठे, दोनों एक साथ में बैठे थे वहां पर। जब दोनों एक साथ में बैठे थे उस जगह पर, तो एक राधा रानी की शोभा इतनी अद्भुत है, इतने सुंदर है। एक एक्चुअली बहुत सुंदर श्लोक है, मैं पढ़ता हूं। ये राधिका अष्टकम, राधिका अष्टकम के ऊपर एक बहुत सुंदर श्लोक है। ये सनातन गोस्वामी लिखते राधा रानी की महिमा, इसमें ये कहते हैं कि राधिका शरोद इंदु निंदि मुख मंडली। राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की जो 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 सुंदरी है, जो मुख मंडल, राधा रानी की जो मुख मंडल मुंह, वो किस प्रकार शरोद इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा बहुत ही सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर चंद्रमा कब दिखाई देते हैं, शरद ऋतु में, ऑटम सीजन, शरद ऋतु में, उस समय सर्दी के से थोड़ा थोड़ा सर्दी के आसपास के समय, तो शरद ऋतु में सबसे सुंदर लगते हैं चंद्रमा आसमान में। और इस दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु अगर कुछ है वो चंद्रमा है। अगर किसी सुंदर वस्तु को हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं इस भौतिक संसार में, चंद्रमा के साथ हम तुलना करते हैं। तो ये बता रहे कि राधा रानी की जो मुख मंडल इतने सुंदर है, जो करोड़ों शरद ऋतु में जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो सौंदर्य को भी परास्त कर देते, डिफीट कर देते, इतने सुंदर है। और कुंतले विचित्र बेनी चंपक पुष्प शोभनी। और राधा रानी, कुंतल मतलब क्या है, केश, बाल में क्या है, विचित्र बेनी, बेनी जानते हैं आप लोग, माताजी लोग बेनी बनाते हैं छोटी को, दोनों एक के अंदर एक बांध के, वो है बेनी। तो कुंतले विचित्र बेनी, बहुत सुंदर बेनी राधा रानी अपने बालों से बनाया है। और चंपक पुष्प शोभनी, और कौन से फूल लगाए अपने बाल में राधा रानी, चंपक, चंपा, चंपा फूल। और नील पट्ट अंगे शोभे ताए आदो ओढ़नी। और राधा रानी की जो वस्त्र है, साड़ी, गोपी ड्रेस, वो किस कलर की है, नील कलर की। इसलिए राधा रानी की जो प्रिय रंग क्या है, कलर क्या है, नीला रंग। और उसके ऊपर क्या है, ताहे आध ओढ़नी, राधा रानी की उसमें क्या है, जो क्या बोलते, चुनरी, चुनरी आधा,
और बंदी श्रीपाद पद्म वृषभानु नंदिनी, ऐसे श्रीमती राधारानी की चरण वंदना करता हूं मैं, ऐसे श्रीमती राधारानी की मैं चरण वंदना करता हूं। तो राधारानी की क्या है, नील साड़ी है और इसके ऊपर आधा ओढ़नी हाफ चुनरी चुनरी, और इनकी जो मुखमंडल राधारानी की करोड़ों चंद्रमा की जो शोभा है उसको भी हरा दे, इतने सुंदर राधारानी। तो एक बार प्रेम सरोवर जहां पर राधारानी मिलने के लिए आती है, ये चित्र आप लोग देख सकते हैं कि राधारानी, राधारानी के मुख, भगवान कृष्ण भी थे राधारानी के आसपास, और जब राधारानी भगवान कृष्ण के साथ थे, उनके मित्र सखा गोपियां सब लोग थे वहां पर, तो उस जगह में सब लोग बैठे हुए थे, और उस समय कुछ भौंरा जो मधुमक्खियां राधारानी के मुंह के आसपास घूमने लगा कि इतने सुंदर राधारानी, मधुमक्खी भी अपने आप को रोक नहीं पाए, कि ऐसे लग रहा मानो राधारानी के मुंह से शरीर से इतनी खुशबू आ रहा था कि मधुमक्खी राधारानी के चारों ओर घूमने लगा, मधुमक्खी भी अपने आप को रोक नहीं पाया। और ये भी इस भजन में ये भी इसके गुणगान करते बताए, तरुण अरुण जीनी सिंदूर मंडली, ये राधारानी जो सिंदूर सिंदूर लगाती श्रीमती राधारानी, ये सिंदूर बहुत ही जरूरी है ना, जो माता जी लोग सिंदूर लगाती है, राधारानी भी सिंदूर लगाती, लेकिन आजकल के जमाने में धीरे धीरे सिंदूर की कल्चर खत्म हो रहा है, लेकिन राधारानी बता रहे कि तरुण अरुण जीनी सिंदूर मंडली, सिंदूर जो राधारानी लगाती थी वो ललाट में, वो सिंदूर की शोभा इस प्रकार है कि सुबह सुबह जो सूरज उगती है उस सूरज की जो रश्मि उसको भी हरा देते, इतने सुंदर लगते राधारानी की जो सिंदूर। और उसके आगे वो लाइन बताते हैं, जय छे अली मत्त भरे मलय जगंदिनी, और राधारानी की मुखमंडल इतने सुंदर इतने आकर्षणीय, अली मतलब क्या है, मधुमक्खी, ऐसे लगता है कि मधुमक्खी जो है मलयज गंदिनी, जिस प्रकार चंदन जो वन है, अब देखे कभी चंदन की लकड़ियां जहां पर, ये मधुमक्खी हमेशा चंदन के जो पेड़ लकड़ी के आसपास घूमते रहते, सबसे ज्यादा मधुमक्खी आपको चंदन के वन में मिलेगा। तो राधारानी के जो मुख इतने सुंदर है, इतने मुखमंडल इतने सुंदर है, ऐसे लग रहा था कि मधुमक्खी चंदन के लकड़ी के वन में प्रवेश किए, इतने आकर्षणीय राधारानी की शोभा। तो राधारानी भगवान कृष्ण के साथ उस प्रेम सरोवर में बैठे हुए, कृष्ण बिल्कुल राधारानी के नजदीक में थे, लेकिन इतने शोभा इतने सुंदर है, मधुमक्खी चारों ओर घूमने लगा राधारानी, और राधारानी बेचैन हो गए, अरे मुझे डिस्टर्ब कर रहे, परेशान कर रहे, मधुमक्खी भागाओ भागाओ, ये सारे मधुमक्खियों को भागाओ यहां से। तो भगवान कृष्ण उनके दोस्त को मित्रों को सखाओं से कहते कि चलो एक काम करो, तुम लोग भागा दो, इनको मदद करो मधुमक्खी भागाने में, ये मदद करो मधुमक्खी भागाने में। तो मधुमक्खी को भागा दिया, धीरे धीरे दूर भागा दिया राधारानी या राधा कृष्ण के पास, और उस समय भगवान कृष्ण उनके जो सखा है उनसे पूछते हैं कि मधु चला गया, मतलब मधुमक्खी चला गया क्या। लेकिन राधारानी ये सुनने के बाद, जबकि कृष्ण उनके बगल में बैठे हुए, राधारानी को ऐसे लगा कि मधुसूदन चला गया। असल में भगवान कृष्ण क्या बताया कि क्या मधुमक्खी चला गया यहां से, लेकिन राधारानी को क्या सुनने में, क्या मधुसूदन चला गया, और मधुसूदन किसके नाम है, भगवान कृष्ण के। और ये सुनते ही राधारानी बेचैन हो गए, क्या मधुसूदन चले गए, कृष्ण चले गए, हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे। और राधारानी रोने लगी, जबकि कृष्ण बगल में बैठे हुए हैं, सब लोग कृष्ण बोले ऐसे क्या है, मतलब कृष्ण बगल में बैठे हुए फिर भी राधारानी रो रहे हैं, क्या कृष्ण चले गए, हम कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाएंगे, कृष्ण को देख नहीं पाएंगे। और ये है असली प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो राधारानी हमें शिक्षा दे रहा है कि हमें हर जगह में सिर्फ भगवान कृष्ण को ही देखना है, भगवान कृष्ण के प्रति इस प्रकार अगर हम प्रेम जागृत करेंगे तभी हमें इस भौतिक संसार में सुख मिल सकता। तो वो राधारानी ऐसे रोने लगी, भगवान कृष्ण कहाँ चले गए, मधुसूदन चले गए, और राधारानी रो रहे, और राधारानी को देखकर भगवान कृष्ण अब मन में विचार करने लगा, रे राधारानी को देख के भगवान कृष्ण विचार करने लगा कि राधारानी मुझसे इतने प्रेम करती है, राधारानी मुझे मुझसे इतने प्रेम करती है,
और भगवान कृष्ण जिंदगी उनके बगल में राधा रानी रो रहा है कि कृष्ण चले गए, और ये देखने के बाद भगवान कृष्ण खुद रोने लगा, इतना प्रेम करती राधा रानी मुझसे, कृष्ण खुद रोने लगे। और राधा रानी जब इस प्रकार रो रहे थे, राधा रानी को देख के राधा रानी के जितने सखियां थी ललिता विशाखा ये सब लोग, वो लोग भी रोने लगे। क्यों रो रहे हैं कि कृष्ण चले गए, जबकि कृष्ण वहां पर बैठे हुए हैं। और जब देखे राधा कृष्ण दोनों रो रहे हैं, उनके देखे भगवान कृष्ण के सखा लोग श्रीराम वसुधाम मधुसूदन सुबल वो लोग भी रोने लगे, सभी लोग रो रहे हैं वहां पर, जितने लोग सब लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं कि कृष्ण चले गए जबकि कृष्ण वहां पर ही है। इसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। उस लीला में तो कृष्ण थे पास में, फिर भी उन लोग ये कृष्ण से विरह बिछो अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इस हमारे साथ क्या हो रहा है, हम भगवान से बहुत दूर चले गए, इस भौतिक संसार के सुख भोग में हम इतने पागल हो गए, इस भौतिक संसार के सुख में हम इतने पागल जैसे हो गए, हम भगवान से बहुत बहुत दूर चले गए। तो राधा रानी शिक्षा दे रहे कि हम जब तक भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नहीं रोएंगे, हमें समझ, हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तब ये राधा रानी जब रो रही थी और भगवान कृष्ण भी जब रो रहे थे, सखा सखी सब लोग रो रहे थे, और उस समय उनके आंखों के आंसू से एक सरोवर बन गए, मतलब इतने आंखों से आंसू टपक रहे, सरोवर बन गए, कुंड बन गए, जिसका नाम दिया प्रेम सरोवर। अभी भी वृंदावन में ये मौजूद है, हजारों हजारों भक्त लोग जाते दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, इतने पवित्र है सरोवर वृंदावन में, कि राधा कृष्ण के आंखों के आंसू से ये सरोवर बन गए। तो कृष्ण के प्रति कितने प्रेम होने चाहिए बताएं। इस प्रकार हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं कि गद गद रुद्रया गिरा, कि कृष्ण को बिना देखे ऐसे लग रहे कि हमारे आंखों से बारिश जैसे पानी गिर रहे हैं, कृष्ण के दर्शन बिना ऐसे मानो हमारे गला आवाज रुक गई, रुद्ध हो गए। पुलक निश्चितं बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, और शरीर में रोमांचित हो रहा है, शरीर कांपने लगा, युगाई तक निमेश ना, क्योंकि ऐसे लग रहा है एक निमेश, एक पल जो है, एक पल ऐसे लग रहा है कि एक युग 12 साल तक लग रहा है, कृष्ण के देखे बिना एक पल 12 साल, एक युग जैसे लग रहा है। युगायतम निमेशना चक्षुष पापृषायतम, और आंखों से बारिश जैसे पानी गिर रहा है कृष्ण के देखे बिना। और शरीर में रोमांच, शरीर कांपने लगते हैं कृष्ण के देखे बिना। तो ये कृष्ण के प्रति प्रेम है, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा रानी शिक्षा देती है। तो जो भक्त इस प्रकार कृष्ण की सेवा करते, राधा रानी उनके प्रति बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी सिर्फ ये देखना चाहती है कि कोई व्यक्ति कृष्ण के ओर आगे बढ़ रहा है कि नहीं। हम थोड़ा सा भी कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रयास करते, राधा रानी हमें खींच के ले जाएंगे भगवान कृष्ण के पास। और इसीलिए जो भी भगवान कृष्ण के नाम जप करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते, राधा रानी उनको फुल सपोर्ट करते, उनको फुल मदद देते हैं। जैसे ये वृंदावन में ये लीला है, राधा रानी रूप गोस्वामी के पास आती है। रूप गोस्वामी वृंदावन में वरिष्ठ गोस्वामी थे, जो सारे किताब शास्त्र राधा कृष्ण की लीला लिखते थे। चैतन्य महाप्रभु के कहने पर वृंदावन गए थे रूप गोस्वामी। और इस प्रकार रूप गोस्वामी जब वृंदावन में थे, तो रूप गोस्वामी उनके भाई थे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी और एक जगह में नंद गांव भजन करते थे, और रूप गोस्वामी एक टेर कदम एक जगह है वहां पर बैठ के भजन करते। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी इस प्रकार भजन करते थे। तो रूप गोस्वामी के पास एक दिन उनके भाई सनातन गोस्वामी, उनके बड़े भाई आएंगे उनसे मिलने के लिए। दोनों अलग अलग जगह में भजन करते थे, लेकिन रूप गोस्वामी के पास कुछ नहीं था बिल्कुल प्रस्तुत करने के लिए। उनके बड़े भाई आ रहे हैं, उनको कुछ तैयार करना चाहिए, बड़े भाई को खिलाने के लिए, बड़े भाई को
हाँ कुछ भोजन देंगे, बहुत दिन बाद बड़े भाई आ रहे हैं मिलने के लिए। लेकिन रूप गोस्वामी ये क्या थे, रूप उनके पास कुछ नहीं था, ये तो बाबा जी थे, उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं था। तो उस समय रूप गोस्वामी क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमें कुछ बनाना चाहिए। और उन्होंने चाहते थे कि मेरे बड़े भाई बहुत साल बाद मेरे पास आ रहे हैं, तो उनके लिए खीर बनाऊं मैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी की खीर बहुत ही पसंदीदा आइटम है। तो खीर बनाने को उन्होंने प्रण किया, लेकिन साथ में ये भी समझ में आया कि उनके पास एक्चुअली कि खीर बनाने के लिए कुछ सामान है ही नहीं, ना दूध है, ना चावल है, ना शक्कर है। तो राधा रानी उनके मनोभाव समझ गए, कौन, रूप गोस्वामी के, देखो ये मेरे कितने बड़े भक्त हैं, ये चाहते हैं कि उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, वो भी बहुत बड़े भक्त हैं, उनके लिए कुछ खीर बनाए, तो हम क्यों नहीं मदद करें। तो राधा रानी क्या करती है, उस रूप गोस्वामी के पास, उनके जो कुटिया में राधा रानी आती है, कैसे, एक गोप बालिका बनकर, एक छोटी सी लड़की बनकर, वृंदावन में लड़कियों को लाडली कहते हैं, तो लाडली बनकर राधा रानी, छोटी सी लड़की बनकर जो रूप गोस्वामी की कुटिया में आती है, और बोलते रूप गोस्वामी, स्वामी जी मेरी मम्मी मम्मी ने आपके लिए थोड़ा सा दूध भेजा और आपके लिए थोड़ा चावल भी भेजा, आप कुछ खा लीजिए बना के। रूप गोस्वामी की तो समझ में नहीं आया ये कौन है, असल में वो कौन सी राधा रानी। तो राधा रानी उस प्रकार उनको बस आके ये बताए, आप ये ग्रहण कीजिए, हमारे माँ आपको भिक्षा दिया, आप साधु महात्मा सन्यासी हमारे गांव में रहते। तो रूप गोस्वामी बोलते कि आप, तुम्हें तो कभी नहीं देखे ऐसे गोपी वृंदावन, हम तो आसपास में गोपियों को जानते हैं, तुम्हें तो कभी नहीं देखा। बोले नहीं 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 हम इस गाँव में रहते, पास पास में पड़ोस में गाँव में रहते, तो आपके बारे में सुना हमारे माता जी ने, इसलिए आपके लिए ये भेजा। तो तब राल रूप गोस्वामी ये पूछा, तुम कहाँ से, कौन से गांव से आए हो, और तुम्हें इतने तकलीफ उठाने की जरूरत क्या थी, तुम इतने दूर से आया हो मुझसे मिलने के लिए। तो राधा रानी उस गोपी के रूप में, नहीं नहीं क्या तकलीफ है, ये तो हमें साधु महात्मा की सेवा करनी चाहिए, हमें प्लीज ये दूध और शक्कर और ये जो चावल ये ग्रहण कीजिए। तो तब रूप गोस्वामी उस जो गोपी थी उस लड़की को देखी इतने आकर्षित हो गए, क्योंकि वो कौन है, राधा रानी और कोई नहीं है, राधा रानी किसी भी रूप में आए लेकिन है तो राधा रानी। रूप गोस्वामी क्यों ऐसे लग रहा है, ये तो कोई अद्भुत लड़की, ऐसे तो हम कभी नहीं देखे वृंदावन में। तब रूप गोस्वामी उनको सीट दिया बैठने के लिए, तुम बैठो यहाँ पर, तो मैं ये सामान जो तुमने लेके आया चावल दूध और शक्कर हम ये रख लेते। तो राधा ने कहते नहीं 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 बाबा जी, स्वामी जी हमें तो जाना है, मम्मी हमें डांटेंगे, हम चले जाते जल्दी, आप ये रख लो, हम चले जाते हैं। क्योंकि राधा रानी को समझ में आ गया रूप गोस्वामी पकड़ लेंगे ये राधा रानी है, क्योंकि रूप गोस्वामी भी बहुत बड़े भक्त हैं, वो समझ जाएंगे ये राधा रानी, तब वो नहीं लेंगे, इसलिए राधा रानी तुरंत वहां चले गए, बोले आप ये ले लो, हमें मम्मी बुला रहे घर पे। तो राधा रानी वहां से चले गए। तो राधा रानी चले जाने के बाद रूप गोस्वामी ये खीर बनाना शुरू कर दिए, चावल और दूध और शक्कर से खीर बनाना शुरू किया, और उन्होंने उनके जो विग्रह गोविंद देव को ये अर्पण किया, खीर बन गया, खीर भोग लगाए। तो उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी उसी वक्त वहां पर पहुंच गए, सनातन गोस्वामी वहां पर पहुंच गए। जब सनातन गोस्वामी वहां पर पहुंच गए तो उनके बड़े भाई जो है, उनके बड़े भाई को उन्होंने ऐसे खीर दिया कि आप ये खीर भोजन कर लो, मैंने आपके लिए खीर बनाया, सनातन गोस्वामी। तो उनके बड़े भाई जो है, ये आप लोग इसमें देख सकते किस प्रकार राधा रानी रूप गोस्वामी के लिए गोपी के रूप में ये खीर लेके आती है उनके घर से, राधा रानी। ये रूप गोस्वामी बाबा जी वो पेड़ के नीचे रहते थे, उनके घर मकान नहीं था, राधा रानी गोपी के रूप में आकर उनको खीर के लिए दूध शक्कर और चावल देके जाते। तो इस प्रकार ये देने के बाद तो सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई को खीर दिए, सनातन गोस्वामी ये खीर भोजन किया, और खीर भोजन करने के बाद सनातन गोस्वामी तो समझ गए मुझे इतना आनंद क्यों मिल रहा है खीर खा के, ऐसे खीर तो हम जिंदगी में कभी नहीं खाया, इतने स्वादिष्ट खीर, ये कहां से लिया तुमने खीर। बोलते नहीं नहीं भैया हमने खुद बनाया ये खीर,
नहीं, ये नहीं हो सकती, खीर तो अद्भुत खीर है, ऐसी खीर हमने कभी नहीं सुना, ना तो देखा ना खा टेस्ट किया। बोले नहीं यार, सच्ची में हमने खुद बनाई ये खीर। तो तब रूप गोस्वामी बताते, असल में क्या हुआ, एक गोपी छोटी सी लड़की, लड़ली छोटी सी बालिका, वो मेरे पास आती है और कहती है कि सनातन गोस्वामी कि ये ले लो चावल शक्कर और दूध, ले मेरे माता जी ने ये भेजा। तब रूप गोस्वामी ने बताया कि मैंने उनको बताया ठीक है तुम लेके आए तो हम ले लेते हैं। और तब सनातन गोस्वामी बताए, हाँ रूप गोस्वामी तुमने क्या किया, वो असल में कौन है, वो राधा रानी थी जो ये सब कुछ लेकर शक्कर, राधा रानी तो तुमने मन में इच्छा की खीर बनवाने के लिए, खीर भोजन करने के लिए, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए राधा रानी स्वयं आ जाती है। तब रूप गोस्वामी के सनातन गोस्वामी डांटते भी है, उनके बड़े भाई थे, बोले देखो ये सही नहीं था, हम वृंदावन में क्यों आए राधा रानी की सेवा करने के लिए, तुम उल्टा सेवा ले रहे हो उनसे, कैसे हो सकते हैं। तो उनको डांटते, उनको बोलते हमें तो पता ही नहीं था, और तुमने बिल्कुल, तुम्हें पता नहीं चला ये राधा रानी थी, और ये हमें इस प्रकार इच्छा आगे से नहीं करना, बिल्कुल हमें जो मिलेगा हम वही भोजन करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो राधा रानी कभी भी आ सकते हमारे पास। और इसके सुनने के बाद रूप गोस्वामी का अपने मन में ये हो रहा है कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैं राधा रानी से सेवा लिया, मैं राधा रानी की सेवा करने के लिए आया हूँ, एक राधा रानी मेरे सेवा करती है। तो ये है भक्त के मनोभाव। भक्त के मनोभाव क्या है, वो चाहते सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान से सेवा लेने के लिए नहीं है। और ये इस प्रकार से रूप गोस्वामी को करते। तो इस प्रकार जो भगवान कृष्ण की सेवा में हमेशा लगे रहते, जिस प्रकार रूप गोस्वामी ऐसे भक्त को, ऐसे भक्त को श्रीमती राधा रानी सब कुछ दे देते, श्रीमती राधा रानी स्वयं आ गए उनको देखभाल करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए। और उसी प्रकार और एक लीला भी है वृंदावन में, रघुनाथ दास गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी और एक गोस्वामी थे वृंदावन में, भजन करते थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी पूरे दिन रात भर जप करते थे, बहुत बड़े घर से हैं, उनके पिताजी उस समय 500 साल पहले उनके 12 लाख उनके इनकम था, 20,000 सोना का कॉइन था उनके घर पे, इतने अमीर थे, फिर भी सब छोड़कर वृंदावन में आ गए थे चैतन्य महाप्रभु के कहने पर, राधा कृष्ण के नाम जप करते थे दिन रात भर। और उस समय एक जब राधा कुंड के किनारा में रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार भजन करते थे राधा कुंड के किनारा में, और दिन रात भर राधा कृष्ण के बारे में सोचते थे, चिंतन करते थे, और कम से कम 64 माला जप करते थे हरे कृष्ण महामंत्र, और क्या करते थे राधा कुंड में डेली 1,000 वैष्णव को प्रणाम करते थे, सिर झुका के डेली प्रणाम करते थे 1,000 वैष्णव। इस प्रकार भजन करते थे उन्होंने राधा कुंड किनारे में, और थोड़ा सा भोजन करते थे, थोड़ा सा छाछ पीते थे, थोड़ा बहुत बटर मिल्क, उनके शरीर बचाने के लिए बिल्कुल खाना पीना नहीं है, दिन रात भर भगवान का नाम जप करते थे। और उन्होंने उनको सनातन गोस्वामी और बाकी सब लोगों ने बताया, देखो सनातन रघुनाथ तुम ये राधा कुंड के किनारे में भजन करते, उस समय तो ये बिल्डिंग वगैरह नहीं था, जंगल था, और वहां पर कुछ नहीं, इतनी गर्मी सर्दी बरसात, तुम पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते हो, कुटिया बना लो, कुटिया में रहो, कम से कम सर्दी गर्मी बरसात में अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन सब लोग, सबको कहने के बावजूद भी उन्होंने एक भी घर नहीं बनाया अपने लिए, जबकि उनके पिता सबसे अमीर व्यक्ति थे, राधा से भी अमीर। ऐसे है चैतन्य महाप्रभु के भक्त, ऐसे ही राधा रानी के भक्त, वो अपने के लिए कुछ नहीं चाहते, सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और दिन रात गर्मी बरसात में दिन रात भजन करते थे, और उनके 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 इस प्रकार भजन देखकर भगवान कृष्ण उनको परीक्षा लेने के लिए एक बार एक शेर आया उस सरोवर में पानी पीने के लिए, और सनातन गोस्वामी देखा कि सनातन गोस्वामी देखा दूर से कि रघुनाथ दास गोस्वामी के बचाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आते लाठी लेके उस शेर को भगाने के लिए,
इतने बड़े भागवत हैं। और एक बार देखा इतने गर्मी में, इतनी गर्मी में भी उन्होंने अपने कुटिया नहीं बनाई, बरसात में भी कुटिया, इतने गर्मी में सब लोग जल जाते, इतने प्रचंड ताप है, गर्मी है, और उस समय भी गर्मी बिल्कुल कुटिया नहीं बनाया, तब उन्होंने तो भजन ही कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और उस समय उनके ऊपर अगर राधा रानी अपनी साड़ी रख देती ताकि उनको बस थोड़ा छांव मिल जाए, राधा रानी स्वयं आ जाती उनके ऊपर, तब दूर से बाकी गोस्वामी लोग देख लेते, रघुनाथ रघुनाथ देखो कि ये सही मनोभाव नहीं, हम वृंदावन में राधा रानी की सेवा करने के लिए और राधा रानी तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार राधा रानी जो भगवान कृष्ण के नाम जप करते, जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी उन भक्तों को भी राधा रानी सेवा करना चाहती, ये राधा रानी की मनोभाव है। इसलिए अगर हम भगवान कृष्ण के नाम जप करेंगे, राधा रानी सबसे ज्यादा प्रसन्न, सबसे ज्यादा खुश। अगर हम राधा रानी की खुशी चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, राधा रानी की कृपा चाहते हैं, तो हमें एक ही चीज करना है, क्या? भगवान के नाम जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और राधा रानी सब कुछ हमारे लिए समर्पण कर देंगे, राधा रानी हमें सब कुछ पूर्ण मदद करेंगे। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी को श्रीमती राधा रानी की कृपा मिली, उसी प्रकार हमें भी कृपा मिलेंगे अगर हम भगवान कृष्ण की नाम निरंतर जप करते रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमती राधा रानी की, राधाष्टमी महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे।